नमस्कार दर्शकों खेती पर आधारित हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका स्वागत है आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी किसान भाइयों आज हम बात करेंगे क्योंकि खरीफ की फसलों की बुआई नजदीक आ रही है तो बीज की दरें क्या हैं बीज की व्यवस्था क्या है उच्च गुणवत्ता बीज के बारे में भी हम जानकारी लेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं बहुत खास मेहमान हमारे साथ है डॉक्टर एस एस भटनागर जी जो कि बीज विशेषज्ञ हैं और पूर्व सलाहकार हैं मध्य प्रदेश बीज संघ के सर बहुत बहुत स्वागत है आपका सर सबसे पहले हम आपसे यही समझेंगे कि खरीफ की फसल की जो बुआई है उसका समय अब नज़दीक आ रहा है तो क्या है खरीफ की फसलें सबसे पहले आप यही समझाइए देखिए कि, किसान भाई और नमस्कार आज हम आपको खरीफ के बीजों की व्यवस्थाएं और उनकी जो दरें निर्धारित की गई हैं उसके बारे में आज चर्चा करेंगे जहाँ तक जहाँ तक ये पूछा है मौसम क्या देखिए मौसम अपने पास तीन है खरीफ मौसम रबी मौसम और ग्रीष्म ऋतु तो तीनों सीजन की फसलें अलग अलग होती हैं खरीफ की जो विशेष फसलें हैं वो सोयाबीन है उड़द है आ, मूंग है अरहर और धान मक्का ज्वार बाजरा कोदो कुटकी ये फसलें खरीफ में ली जाती हैं और इससे किसान अपना फसल उत्पादन करके उस फसल का लाभ लेता है जी बीज से क्या तात्पर्य है सर देखिए बीच से तात्पर्य ये है सो, आ, सोनी जी आ, और किसान भाइयों आप तो खैर परिचित हैं ही कि देखिए हम फसल उत्पादन लेते हैं फसल उत्पादन लेने के लिए जो हम बीज यानी उस अन्न को उपयोग में लाते हैं उसकी शुद्धता और हर तरीके से उसका उत्पादन क्षमता अधिक से अधिक हो तो उसको उसी फसल के आनुवांशिक शुद्धता वाले और भौतिक शुद्धता वाले बीजों को तैयार करते हैं जिससे कि उस बीज का उत्पादन अधिक से अधिक फसल किसानों को दे सके तो उद्देश्य यही है कि बीज जो फसल के उत्पादन के लिए प्रयोग में आता है उसको हम बीज के रूप में लेते हैं Uh, सर बीज और खाद्यान्नों में अंतर भी होता है बीज और खाद्यान्नों में अंतर ये होता है देखिए जहाँ तक बीज की और खाद्यान्न की बात है वैसे तो किसान अपना बीज भी इस्तेमाल करता है और वो जो उसके यहाँ रखा रहता है वो खाद्यान्न में से ही संरक्षण करके हुँ. उसका बीज बोता है अगले वर्ष में लेकिन जहाँ तक बीज की और खाद्यान्न के अंतर बात है वो ये है कि बीज एक जीवित ऑर्गेनिज्म है जैसे मानव शरीर में शोषण क्रिया रहती है, है तो बीज में भी श्वसन क्रिया निहित होती है और वो एक एक तरह से जीवित ऑर्गम्स के रूप में कार्य करता है यदि वह खाद्यान्न या वो ग्रेन जीवित नहीं है और उसमें जीव शोषण क्रिया नहीं है तो वो एक मृत प्राय वस्तु है और वो बीज के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जो जीवित ग्रेन होगा वही जर्मिनेशन दे सकता है और उसमें ही पौधा जनने की शक्ति होती है तो बीज ए, हम उस रूप में इसको लेते हैं कि फसल उत्पादन में उच्च गुणवत्ता के बीज और जिसका अंकुरण हो आनुवंशिक शुद्धता हो भौतिक शुद्धता हो बीमारियों और कीटों से ए, प्रभावित ना होता हो उसको हम अच्छी क्वालिटी के बीज को इस्तेमाल करते हैं उसको बीज हम बोलते हैं उच्च गुणवत्ता बीजों का महत्व क्या होता है सर उच्च गुणवत्ता के बीजों का महत्व देखिए जहाँ तक है सोनी जी वो ये है कि जब हम एक सामान्य धा, धान धान्य यानी उसको खाद्यान्न जिसको हम बोलते हैं किसान अपना बीज लेता है तो उसमें और जो प्रमाणित कराया हुआ बीज या उसको तैयार किए हुए बीज में अंतर है उसमें अंतर ये है कि जो अच्छी गुणवत्ता अच्छे गुणों का बीज और अनुवांशिक शुद्धता का अपने गुणों में उच्च गुणवत्ता रखता होगा उसमें और सामान्य बीज में बोने में जो उत्पादकता आएगी वो कम से कम पंद्रह से बीस प्रतिशत अधिक होगी सर उच्च गुणवत्ता बीजों की पहचान कैसे करें किस तरह से पहचान की जाती है इसकी? उच्च गुणवत्ता के बीजों की अभी जैसे अपन चर्चा कर चुके हैं एक तो ये है कि एकदम भौतिक एक शुद्धता उसकी होनी चाहिए ठीक है और किस्म विशेष के रूप में जैसे हम भिन्न भिन्न किस्में बोलते हैं उनकी अनुवांशिक शुद्धता उसमें होनी चाहिए कीटों से प्रभावित ना हुआ हो जैसे उसमें उस भंडार में, उस में कीट लग जाते हैं रंग उसका ख़राब ना हुआ हो उसमें किसी प्रकार का फंगस नहीं लगा होना चाहिए और स्टोर में अच्छी तरह से सुरक्षित रखा हो तो उसको हम इस तरह से पहचानें और दूसरा ये है कि बीज के रूप में हम जब इस्तेमाल करने के लिए बीज क्रय करते हैं हुँ. तो उसमें हम बाज़ार में ये देखना चाहिए कि उस पर अच्छी तरीके से हर जानकारी लिखी गई हो उसका टेस्टिंग किया गया हो जन्मिशन की उसमें जानकारी दी गई हो उस पर लेबल लगा हुआ हो लेबल पर भी वो जानकारी दी गई हो और यदि वो प्रमाणित कराया गया है तो प्रमाणीकरण संस्था का उस पर टैग लगा होना चाहिए यही उसकी ये पहचान है अन्यथा यदि वो बीज के रूप में थैलों में ना हो और खुले रूप में अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो उचित नहीं है अच्छे गुण बीज के पहचान में ये ये अच्छा है प्रदेश में खरीफ हेतु क्या व्यवस्थाएं की गई हैं और बीज दरें क्या हैं खरीफ प्रदेश में जो बीज की व्यवस्था है जी। वो कई तरीके से है एक तो ये है कि बीज शासकीय संस्थाएं प्रदेश में बीज उत्पादन लेती हैं बीज उत्पादन लेने में जैसे बीज शासकीय संस्था प्रदेश की बीज संघ है आ, बीज निगम है प्रक्ष गवर्नमेंट फार्म है तिलन संघ था अभी भी कुछ वो कार्य करता है आ, क्रिप को है इफको है और सहकारिता क्षेत्र में जैसे मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश बीज सहकारी संघ की जो पंजीकृत समितियां हैं सहकारी समितियां वो भी उत्पादन करती हैं और राष्ट्रीय स्तर पर दो संस्थाएं और हैं एक तो एन राष्ट्रीय बीज निगम और इसके अलावा पहले एक एस जो होती थी उसको राष्ट्रीय बीज निगम में विलय कर दिया गया है वो है और इस प्रकार से ये सब जो संस्थाएं है, जो हैं बीज उत्पादन करके फिर उसका बीज प्रमाणीकरण संस्था के माध्यम से उसको प्रमाणित करा करके फिर पैकिंग और टैगिंग करा करके प्रदेश में उसकी व्यवस्था करते हैं तो इस प्रकार से जो प्रदेश के बीज की मांग है उसको ध्यान में रखते हुए हमें कितना लक्ष्य रखना है उसको ध्यान में रखते हुए सभी संस्थाओं से अपेक्षा की जाती है कि वो उस लक्ष्य पूर्ति के लिए अपना अपना बीज उत्पादन करें वैसे इसके अलावा यह भी है कि कोई किसान अगर स्वयं अपने आप में भी बीज उत्पादन करना चाहता है तो उसको करा सकता है और एक बीज प्रमाणीकरण संस्था जो प्रमाणीकरण का कार्य और गुणवत्ता का सत्यापन करती है उससे उसका सत्यापन कराया जा सकता है तो ये एक बीज उत्पादन की व्यवस्था प्रदेश में है और प्रदेश में एक तो बीज उत्पादक संस्थाएं हो गई दूसरी बीज प्रमाणीकरण संस्थाएं हो गई और इसके विक्रय के लिए मध्य प्रदेश विपणन संघ सहकारी विपणन संघ और स्वयं जो बीज उत्पादक संस्थाएं हैं वो स्वयं अपने अपने विक्रय व्यवस्थाएं करती हैं और पंजीकृत डीलर के रूप में दूसरी संस्थाओं के जो शासकीय संस्था हैं उनका पंजीयन करा करके अपना विक्रय व्यवस्था करते हैं जो गत वर्ष धान का विक्रय वितरण किया गया था वो करीब चार लाख बहत्तर हज़ार हुआ था और इस वक्त के जो लक्ष्य रखे गए हैं वो चार लाख तिरासी हज़ार के रखे गए हैं और कुल उपलब्धता हमारे पास इस वक्त कुल मिला ए, पांच ए, पांच, पांच के पाँच लाख बीस हज़ार पाँच पाँच लाख बीस हज़ार के करीब हमारे पास बीज उपलब्ध है तो जो हमारे लक्ष्य हैं उसके उसको दृष्टिगत रखते हुए हमारे उसमें मध्य प्रदेश में बीज की पूरी आवश्यक पूरी मानी पूर्ति हो रही है इसी प्रकार से बीज की जो हमारे लक्ष्य रखे गए हैं टारगेट दो चौदह के दो लाख चौदह के उसके विरुद्ध हमारा थोड़ा सा कम पड़ रहा है जिसके लिए एक पिछहत्तर एक लाख पिछहत्तर हज़ार व्यवस्था है ये पूर्ति हो जाएगी क्योंकि राष्ट्रीय बीज निगम जो केंद्रीय शासन है उनको अगर हम अपनी मांग देते हैं मध्य पे तो वो बाहर से या कहीं से व्यवस्था कर लेते हैं इसके अलावा इसमें प्राइवेट भी सम्मिलित हैं जो प्रदेश में बीज उत, उत्पादन कार्यक्रम करते हैं इसके अलावा जो उड़द है उड़द का पिछले वर्ष हमने चौंसठ हज़ार का वितरण किया था इस वक्त हमने करीब छासठ हज़ार का कार्यक्रम रखा है जिसमें से इस वक्त का जो टारगेट हमारा हो गया है जो उत्पादन हमें मिल रहा है तिहत्तर हज़ार के करीब मिल रहा है तो काफ़ी है मूंग का इसी प्रकार से गत वर्ष में पंद्रह हज़ार चार सौ का था जो कि इस वर्ष इस साल हमें अठारह हज़ार छः सौ इक्कीस उपलब्ध है कम नहीं है अरहर का भी अड़तीस हज़ार गत वर्ष का था तो उसके विरुद्ध इस वक्त इस वक्त हमारे पास इकतालीस हज़ार आठ सौ इकतालीस क्विंटल उपलब्ध है और सोयाबीन जो विशेष है सोयाबीन का जो वितरण हुआ था वो आठ इक्यावन का गत वर्ष किया गया था जी। इस वक्त के लक, लक्ष्य हमारे पास रखे गए थे वितरण के लिए जो तैयार कराने का था तेरह लाख अट्ठानवे हज़ार का था जबकि हमारे पास इस वर्ष सभी संस्थाओं का प्राइवेट को भी मिला के पंद्रह लाख छिहत्तर हज़ार बीज उपलब्ध है जो कि हमारी लक्ष्यों के विरुद्ध काफ़ी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं तो इसमें इस प्रकार कुल मिला कर के जो हमारे इस वक्त इस साल के जो लक्ष्य रखे गए थे बाईस लाख अड़सठ हज़ार के उसके विरुद्ध हमारे पास चौबीस लाख छासठ हज़ार प्रमाणित बीज ये प्रमाणित बीज की बात हम कर रहे हैं वो उपलब्ध है इस प्रकार से पूरी व्यवस्थाएं खरीफ बीजों की शासन के माध्यम से की गई हैं और प्राइवेट भी उसमें सम्मिलित बिल्कुल तो दर्शकों हम यहाँ रुकेंगे छोटे से विराम के लिए जल्द लौटेंगे अरे सुन तो मुझे क्या सुनाना चाहते हो जो मेरी स्वातुल को किसको अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हम्म अच्छा ये बात है आ, अब बात नहीं होती क्या अब तो झट से बात हो जाती है संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए छह उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है एफ के गोरखपुर सिंदरी तलचर और रामागुंडम संयंत्र एच की बरौनी इकाई और बीवी की नामरूप फोर्थ सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा अनाज का उत्पादन 10 फीसदी तक बढ़ेगा बढ़ेगी 10 से 15 फीसदी नाइट्रोजन क्षमता किसान भाइयों आपका एक बार फिर से स्वागत है कृषि दर्शन के हमारे इस विशेष कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं बीज दरें क्या हैं प्रदेश में और बीज की गुणवत्ता बीज की पहचान कैसे की जाए सर हम आपसे ये भी समझेंगे कि बीज की दरें प्रदेश में क्या हैं देखिए जिससे कि किसानों को उचित दरों पर बीज की उपलब्धता रहे क्योंकि विभिन्न विभिन्न विभिन संस्थाएँ अपना अपना बीज उत्पादन करती हैं उसमें प्राइवेट भी है सेंट्रल गवर्नमेंट की भी हैं राज्य शासन की भी हैं तो उसको एक तरह से ये नियंत्रित करने के लिए या नियंत्रण रखने के लिए कि कोई ज़्यादा उस पर ज़्यादा भार ना डाले और किसानों को उचित दरों पर मिले खरीफ का सोयाबीन का जो दर रखा गया है जी। वो दस हज़ार एक सौ रुपया प्रति क्विंटल की विक्रय दर रखी गई है इसमें ये ज़रूर है कि जो पंद्रह वर्ष तक की किस्में हैं उन पर ये लागू होता है उससे ज़्यादा की अगर कोई ज़्यादा दिनों की पुरानी वो किस्में हैं तो उन पर यह अभी लागू नहीं होगा अगर उस पर होगा भी तो फिर उसका रेट अलग ही हो जाएगा और इसमें किसी प्रकार की छूट देने की संभावना या संभा, कोई प्रावधान नहीं होगा ऐसी तिल है तिल का जो दर रखा गया है बारह हज़ार आठ सौ रुपये प्रति कुंटल रखा गया है जो कि इसमें भी पंद्रह साल तक की किस्में सम्मिलित की गई हैं राम तिल में भी पंद्रह साल की किस्में सम्मिलित की गई हैं जिसका जो प्रति कुंटल दर रखी गई है दस हज़ार छः सौ रखी गई है मूंगफली में आठ हज़ार दो सौ रखी गई है पंद्रह साल की किस्मों तक के लिए इस प्रकार जो धान की किस्में हैं धान की किस्मों में जो सुगंधित किस्में हैं उसका पाँच हज़ार एक सौ रुपये क्विंटल प्रमाणित बीज का दर रखा गया है और इसमें जो पतली किस्म है इसमें धान में तीन तरह की होती है, एक तो सुगंधित होती है एक पतली और लंबी होती है एक मोटी होती है जी। तो पतली के लिए पाँच हज़ार रुपये क्विंटल सकल विक्रय दर रखी गई है और धान मोटी में पैंतालीस सौ रुपये प्रति क्विंटल यानी चार हज़ार पाँच सौ रुपये कुंटल की दर रखी गई है मक्का में जो सामान्य मक्का है चार हज़ार छः सौ जिसमें सेल्फ पॉलिटेड किस्में आती हैं उसका चार हज़ार छः सौ रुपये प्रति क्विंटल की दरें हैं मक्का हाइब्रिड है जिसकी विशेष रूप से उत्पादकता भी तीन से चार गुना होती है और अपने आ, उत्पादन कार्यक्रम में भी उसका आ, खर्च बहुत काफ़ी आता है तो हाइब्रिड का जो दरें रखी गई हैं ग्यारह हज़ार सात सौ रुपये प्रति क्विंटल की दर रखी गई है इसी प्रकार ज्वार जो ये सब दरें जो हैं ये प्रमाणित बीज के लिए हैं और ये ये दरें जो हमारे प्रदेश की मध्य प्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम है उनके यहाँ जब उत्पादन कार्यक्रम कराया जाता है किसानों के यहाँ या अपने यहाँ उसमें जो कॉस्टिंग आती है उसके आधार पर और मार्केट उसको देख करके ध्यान में रख करके रखा जाता है इसी प्रकार से ज्वार का 5,800 कोदो का 5,500 कुटकी का 6,000 मूंग का 10,400 उड़द का 9,500 अरहर का 9,500 और जैविक का भी बीज उत्पादन लिया गया है बीज निगम द्वारा उसमें भी दरें रख दी गई हैं जो धान का है पाँच हज़ार प्रति क्विंटल इसके मक्का का इक्यावन सौ रुपये क्विंटल कोदों का 7,650 और कुटकी का 7,650 आधार का नौ हज़ार सात सौ ये दरें निर्धारित की गई हैं और इनको उपलब्धता के लिए जो व्यवस्था की गई है वो ये है कि जो सहकारी हमारे संस्थाएं हैं एक तो ये है कि जो बीज उत्पादक संस्थाएं हैं वो डायरेक्ट अपना बीज आउटलेट सेल करती हैं इसके अलावा मध्यप्र राज्य विपणन संघ के माध्यम से जो पैक्स का व्यवस्था की गई है सहकारी समितियों की उनके माध्यम से किसानों को बीज मिलेगा इसके अलावा जो संस्थाएं हैं उनके अपने विक्रय केंद्र हैं उन पर मिलेगा और ब्लॉक स्तर पर भी जो हमारे शासकीय कार्यालय हैं उनकी उन किसानों की मांग के आधार पर वो भी व्यवस्था करके वहाँ पर उनको वितरण कराते हैं जी आ, सर सोयाबीन के बीज की किस्मों के बारे में भी आप जानकारी दे दीजिए देखिए जहाँ तक सोयाबीन के बीज की किस्में हैं वो अभी आ, नई किस्मों पर हम ज़्यादा जोर दे रहे हैं कौन कौन सी इसमें जैसे सोयाबीन की जे एस बीस उनतीस है आर वी एस दो हज़ार एक चार है इसमें जी एस का मतलब होता है जवाहर जे एन की जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जबलपुर में उनके द्वारा विकसित की गई है आर वी एस का मतलब ये है राज माता मतलब। राज माता विजय राजे सिंधिया जो ग्वालियर में यूनिवर्सिटी है उनके द्वारा विकसित की गई है जे एस बीस चौंतीस जे एस बीस उनहत्तर सिक्स नाइन यानी जे एस इकसठ चौबीस आर वी एस पंद्रह आर वी एस सोलह आर वी एस अठारह आर वी एस चौबीस जे एस बीस अट्ठानवे एन आर सी एक सौ सत्ताईस जे एस बीस चौरानवे और जे एस बीस एक सौ सोलह एन आर सी एक सौ तीस ये ऐसी किस्में हैं जो हमारे पंद्रह साल के अंदर अंदर जी इसमें आ गई हैं उनका बीज उत्पादन हम ज़्यादा प्रीफर करते हैं क्योंकि ये धारणा शा, केंद्रीय शासन द्वारा और जो रिसर्च स्टेशन हैं उन पर हर समय रिसर्च कार्य करता चलता रहता है और जो पहली किस्में हो जाती हैं उनमें एक तो बीमारियों की आशंकाएं बढ़ जाती हैं और इसके साथ साथ कीट और उसकी उत्पादकता भी दिनों दिन यानी अगर हम पंद्रह बीस साल से पहले की पुरानी किस्मों को देखेंगे तो उनकी उत्पादकता भी एक रेसिस्ट हो जाती है फिर ज़्यादा बढ़ने की संभावना उसमें नहीं रहती उसके प्रति जो हमारे वैज्ञानिक हैं केंद्रीय शासन के जो इंस्टीट्यूशन हैं एन आर सी एस और ये आई आर आई इसके जितने हैं और जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ के रिसर्च स्टेशन हैं जैसे पवार खेड़ा है इधर इंदौर में है और ये आर ये सीहोर में आरएके के कारिज है इन जो भी रिसर्च स्टेशन हैं इनके सभी बीजों का जो बीज उत्पादन कार्यक्रम के लिए बीडर सीट तैयार करके जो किसानों को और संस्थाओं को उपलब्ध कराया जाता है जी उसमें ये ध्यान रखा जाता है कि जो पिछली की जो भी किस्में हैं उनके विरुद्ध उनकी उत्पादकता और जलवायु और मिट्टी के आ, को ध्यान में रखते हुए वो अधिक से अधिक उत्पादन किसान को दे तब वो उनको नई किस्मों का प्रचार प्रसार करने के लिए ये व्यवस्थाएं की गई हैं। बिल्कुल तो किसान भाइयों हमने जो खरीफ की फसलें उसके बीज के बारे में जाना और बीज की गुणवत्ता के बारे में समझा बहुत बहुत धन्यवाद सर आपने हमारे लिए वक्त निकाला तो आइए अब चलते चलते देखते हैं खबरें खेती की नमस्कार किसान भाई बहनों खबरें खेती में आपका स्वागत है आइए नजर डालते हैं आज के कुछ प्रमुख खबरों पर अगले हफ्ते से स्पीड पकड़ेगा मानसून 26 लाख क्विंटल बीज उपलब्ध प्रमाणित बीज से पैदावार बढ़ाएं, सोयाबीन की बोनी उन्नत सीड्रिल से तिलहनी फसलों में लाभकारी गंधक और अब खबरें विस्तार से धीमे शुरुआत के बाद दक्षिणी पश्चिमी मानसून मुंबई पहुंच गया उम्मीद है कि अगले सप्ताह से ये और रफ्तार पकड़ेगा भारतीय मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर के जैनमणि ने कहा कि देखिए हर मानसून पहले की तुलना में अलग होता है और अगले सप्ताह व उसके बाद 19-20 जून से बारिश में उल्लेखनीय तेजी हो सकती है उम्मीद है कि ये पूर्वी भारत के ज्यादातर इलाकों में पहुंच जाएगा विदर्भ मध्य प्रदेश गुजरात इलाके में मानसून के पूर्व की गतिविधियों की शुरुआत हो जाएगी इसकी वजह से धीरे धीरे उत्तर भारत में अगले 48 घंटे में गर्मी का असर कम होगा मुंबई पुणे समेत मध्य महाराष्ट्र पहुंच चुका मानसून मध्य प्रदेश में अरब सागर ब्रांच के जरिए इंदौर संभाग से प्रवेश ले सकता है मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि मानसून की बंगाल की खाड़ी वाली ब्रांच सक्रिय नहीं हुई है जबकि अरब सागर वाली ब्रांच सक्रिय है इसलिए 19 या 20 जून के आसपास मानसून मध्य प्रदेश पहुंच सकता है साथ ही बीते 24 घंटे में प्रदेश का 50 प्रतिशत हिस्सा भी प्री मानसून की बौछारों से तर हो जाएगा बारिश से मौसम में घुली ठंडक के कारण गर्मी का लंबा दौर थम सा गया है खंडवा धार और रतलाम जिलों के कस्बों में तीन तीन इंच बारिश तक हो गई है राजधानी में भी बीती रात बारिश हुई प्रदेश में खरीफ 2022 के लिए धान मक्का ज्वार बाजरा कोदो कुटकी उड़द मूंग, तुअर सोयाबीन मूंगफली, तिल रामतिल और कपास की कुल 26 लाख क्विंटल बीज की व्यवस्था की गई है गत वर्ष 17 लाख क्विंटल बीज की व्यवस्था की गई थी प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है यूरिया डी ए पी एन पी के एसएसपी और एमओपी की एक अप्रैल 2022 से अब तक प्रदेश के सभी बावन जिलों में पिछले वर्ष की तुलना में ज़्यादा भंडारण हुआ है डीएपी बिक्री की पिछले वर्ष में तुलना करें तो प्रदेश के उनचास जिलों में ज़्यादा भंडारण व्यवस्था हुई है इसी तरह एन की बिक्री भी बीते वर्ष से अधिक हुई है एसएसपी और यूरिया का भी तुलनात्मक रूप से ज़्यादा मात्रा में भंडारण किया गया है खरीफ का मौसम प्रारंभ हो चुका है किसान भाई खरीफ की विभिन्न फसलों जैसे सोयाबीन उड़द तिल मक्का धान बोने की तैयारी में है खेती की समस्त आदान सामग्रियों में बीज का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है भंडारण पात्रों में रखे बीज की चलाई सफाई आवश्यक है यदि घर का बीज बो रहे हैं तो भंडारित बीज की सूपे से सफाई करना चाहिए फिर साफ किए गए बीज को छन्ने से छान लें छोटे एवं अस्वस्थ दानों को अलग कर दें बिना छांटे सौ दाने गिनकर गीली बोरी की फट्टी में कतार से रखकर उसे कैलेंडर की तरह मोड़ कर रख दें फटी में हल्की नमी बनाए रखें। तीन-चार दिनों में बीज अंकुरित होने के बाद अंकुरित दाने गिन लें यही आपके बीज का अंकुरण प्रतिशत होगा। विभिन्न बीजों के उचित अंकुरण क्षमता के मापदंड अलग-अलग होते हैं। जैसे धान 80, उड़द 75, सोयाबीन 70 प्रतिशत अंकुरण परीक्षण में उपरोक्त मापदंड से थोड़ा अंतर होने पर बीज की मात्रा बढ़ाकर बोनी की जानी चाहिए यदि अंकुरण प्रतिशत निर्धारित मापदंड से बहुत कम हो तो उस बीज को बोने के काम में नहीं लाना चाहिए खेती के कामों में दिनों दिन कृषि उपकरणों का प्रचलन बढ़ता जा रहा है उन्नत कृषि उपकरणों से खेती के कार्य जहां समय पर हो जाते हैं वहीं निश्चित अनुपात में बीज एवं खाद्य डालने में भी मददगार साबित होते हैं सोयाबीन की बोनी उन्नत सीड ड्रिल से करने पर किसानों को काफी फायदा मिला है ये सीड ड्रिल की सभी तरह के ट्रैक्टरों के द्वारा चलाई जा सकती है इस समय सात नौ ग्यारह एवं तेरह टाइम्स की सीड ड्रिल उपलब्ध है इसके माध्यम से बीज एवं खाद्य को अलग अलग करके भी बोया जा सकता है दलहनी एवं तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा गुणवत्ता एवं प्रोटीन के निर्माण में गंधक तत्व की विशेष भूमिका है तिलहनी फसलों में वायुमंडलीय नत्रजन की स्थरीकरण के लिए जड़ों में मौजूद गठानों के विकास एवं जीवाणुओं की क्रियाशीलता में गंधक तत्व का विशेष योगदान है गंधक की कमी से पहले पौधों की पत्तियां पीली पड़ती हैं फिर बढ़वार रुक जाती है जिससे पैदावार में विपरीत असर पड़ता है फसलों में गंधक पोषक तत्व की पूर्ति का सबसे सस्ता एवं सरल उपाय गंधक तत्वधारी उर्वरकों का प्रयोग है ऐसे उर्वरकों में अपने क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रचलित सिंगल सुपर है इसमें 11 प्रतिशत गंधक पाया जाता है विशेषकर तिलहनी फसलों में सुपर उर्वरक का प्रयोग ज्यादा लाभकारी है ये अन्य उर्वरकों से सस्ता भी है और हर जगह उपलब्ध रहता है तो किसान भाई बहनों आज की खबरें खेती में फिलहाल इतना ही आज्ञा दीजिए नमस्कार